Hello everyone. Welcome. Hello everyone. Welcome to Kundra Classes. Today the topic of discussion is Modified Post Correspondence Problem. That is MPCP. MPCP. Okay. Modified Post Correspondence Problem. या Proof of Undecidability of PCP. ठीक है. तो इससे पहले हमने PCP पढ़ा, Post Correspondence Problem पढ़ा. मैं आपसे request कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, पहले आप वो problem देखें, तभी आपको ये समझ में आएगी. क्योंकि पूरा का पूरा बेस है पिछले वाली वीडियो. तो अब आप पिछले वाली वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बहुत आसान से समझ में आने वाला है. ठीक है. तो मॉडिफाइड पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम क्या है, या प्रूफ ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ पीसीपी. हमने पीसीपी प्रॉब्लम क्या कहती थी कि पीसीपी को एमिल पोस्ट ने फाइंड आउट किया था और उन्होंने बोला था ये अनडिसाइडेबल है. तो हमने बाद में हमने जो पिछले वीडियो में कुछ एक ऐसे प्रोग्राम भी देखे, क्वेश्चंस भी देखे, जिसे हमने सॉल्व करके दिखाया कि अनडिसाइडेबल है. अब हमें इसका प्रूफ देना है कि हाँ भाई ये प्रूफ कर दें इसको कि अनडिसाइडेबल है. चलो. तो कंसीडर अ प्रॉब्लम दैट इज ऑलरेडी प्रूवन टू बी अनडिसाइडेबल. तो अब आपको अपने दिमाग लगा कि एक ऐसी प्रॉब्लम को सोचना है जिसको आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि ये प्रॉब्लम अनडिसाइडेबल है. मैंने क्या बोला, अब आपको अपना दिमाग लगाना है और एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना है जिसको आपने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है कि वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. ठीक है. एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट टू पीसीपी. और फिर आप कोशिश करें कि उस अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम जिसको आपने प्रूफ किया है कि वो अनडिसाइडेबल है उसको पीसीपी में कन्वर्ट कर दीजिए भाई, डोमिनोज में कन्वर्ट कर दीजिए. और ऊपर और नीचे की स्ट्रिंग अगर सेम आ जाए, ठीक है, जैसा अभी आपने पिछली वीडियो में देखा, तो क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, इफ वी कैन कन्वर्ट इट टू एन इक्विवेलेंट पीसीपी, अगर हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं पीसीपी पे, देन वी कैन प्रूव दैट पीसीपी इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल. भाई किसी कोई चीज अनडिसाइडेबल थी, उसको कन्वर्ट कर दिया पीसीपी पे, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो अनडिसाइडेबल है और उसको कन्वर्ट कर दिया पीसीपी पे, तो पीसीपी भी अनडिसाइडेबल है. तो बस आपको ओवरऑल ये सोचना है कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है ऑटोमेटा में जो आपने पढ़ी है, जिसको आपने प्रूफ भी किया है कि वो अनडिसाइडेबल है. और मैंने बकायदा प्रूफ कराया है आपको. अगर आप मेरी सारी ऑटोमेटा की वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको प्रूफ कराया है मैंने कौन सी प्रॉब्लम है, वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम. तो हॉल्टिंग या एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम मैंने प्रूफ कराया है, हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक्सेप्टिंग या एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन को मैंने प्रूफ कराया है कि ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है. ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा दिया था आपको, अनडिसाइडेबल. ठीक है, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है, मतलब ये कहीं ना कहीं हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मशीन रुकेगी या नहीं रुकेगी. क्लियर. तो अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं पीसीपी में, इसी प्रॉब्लम को अगर मैं ट्यूरिंग मशीन को, किसी भी ट्यूरिंग मशीन को अगर मैं पीसीपी पे कन्वर्ट कर दूं, तो वो हम क्या कहलाएंगे, उसको मॉडिफाइड पीसीपी कहलाएंगे. क्लियर. तो ओवरऑल अब आपको एक ट्यूरिंग मशीन लेना है, और ट्यूरिंग मशीन क्या है, एक अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, कि देख के आप नहीं बता सकते कि ये ट्यूरिंग मशीन रुकेगी या नहीं रुकेगी. तो ट्यूरिंग मशीन का एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम या हॉल्टिंग प्रॉब्लम एक अनडिसाइडेबल है. तो आप सबसे पहले क्या करने वाले, ट्यूरिंग मशीन बनाने वाले हैं और उसी ट्यूरिंग मशीन का फिर पीसीपी में कन्वर्ट करने वाले हैं. बस अभी आपका जो मेन काम है, अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो चीज क्या है आपकी पीसीपी भी आपकी अनडिसाइडेबल हो जाएगी. ठीक है. तो चलो आओ देखते हैं कैसे करते हैं उस काम को. चलो अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने बोला कि मैंने बताया आपको कि एक ट्यूरिंग मशीन की जो प्रॉब्लम है वो अनडिसाइडेबल है. ठीक है. हर ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल है, एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम. तो ट्यूरिंग मशीन के टर्म्स में हम पीसीपी बनाएंगे, और अगर उसका पीसीपी बना पा रहे हैं, तो अगर उस ट्यूरिंग मशीन का पीसीपी बना रहे हैं, ट्यूरिंग मशीन खुद अनडिसाइडेबल है, और अगर उसका पीसीपी बन पा रहा है, तो इसका मतलब पीसीपी भी अनडिसाइडेबल है. प्रूफ कर दिया हमने, बस कुछ नहीं, सिंपल सा देखो, एक ट्यूरिंग मशीन दी है आपको, क्यू नॉट जीरो आता है क्यू नॉट पे, तो उसको वो एक्स पे कन्वर्ट करता है और राइट पे मूव कर सकता है. ट्यूरिंग मशीन तो आपने पढ़ ही ली होगी, यहां तक पहुंचने के बाद मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आपने ट्यूरिंग मशीन पढ़ी है. और क्यू वन पे अगर वन आता है तो उसको एक्स पे कन्वर्ट करता है, वो लेफ्ट पे मूव कर जाता है और वो फाइनल स्टेट क्यू टू पे पहुंच जाता है. तो एक ये ट्यूरिंग मशीन बनी है 01 एक्सेप्टेंस के लिए ना. स्ट्रिंग में अगर 01 है, जैसा आपने डीएफए बनाया हुआ कि वो स्ट्रिंग बताओ कि जो वो डीएफए बनाओ जो 01 के लिए चले, तो जो 01 के लिए चल रहा है, 0 और 1 आते ही वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएगा. क्लियर. तो आपके इनपुट सिंबल क्या है, 01. आउटपुट सिंबल क्या क्या होंगे, 0 होगा, 1 होगा. कन्वर्ट किस पे कर रहे हैं, एक्स पे कन्वर्ट रहे हैं. और एक ब्लैंक सिंबल होता है जो मैंने ट्यूरिंग मशीन में आपको बताया, एक क्या, कई सारे ब्लैंक सिंबल होते हैं, लेकिन टेप में सिंबल क्या क्या, अभी 4 टेप में सिंबल है. एक तो इनपुट सिंबल होगा 01, एक एक्स जिस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक ब्लैंक सिंबल. ये अभी हमारे इनपुट सिंबल्स हैं. तो ये बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको मैंने लिखा है, बहुत ध्यान से देखना है आपको. मैं हर स्टेप को पढ़ूंगा, अगर आपको राइटिंग समझ में अभी नहीं आ रही तो आप सुन के तो समझ सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है. ठीक है. अब क्या करना है, अगर मुझे पीसीपी में कन्वर्ट करना है तो 7 स्टेप लगते हैं, 7 स्टेप्स. किसी भी ट्यूरिंग मशीन को कन्वर्ट करना अगर पीसीपी पे, तो आपको 7 स्टेप्स लगेंगे. ठीक है. चलो, आपको इनपुट दिया है 010. ठीक है. W दिया है 010. ठीक है. चलो, तो लेट्स स्टार्ट. स्टेप्स टू रिड्यूस इट टू पीसीपी, 7 स्टेप्स लगेंगे. पहला स्टेप,
पहला स्टेप कहता है वी नीड टू मेक डोमिनो फॉर इनपुट स्ट्रिंग। सबसे पहला स्टेप कहता है कि जो भी आपको इनपुट स्ट्रिंग दिया है उसके लिए आप डोमिनो बनाओ। इनपुट स्ट्रिंग क्या दिया, 010, और स्टार्ट हमारा कहां से हो रहा है, क्यू नॉट से। क्यू नॉट में सबसे पहले जीरो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसका डोमिनो कैसे बनेगा, हैश हैश ले लिया आपने, हैश या कुछ और भी सिंबल ले सकते हैं, सेम सिंबल लेना होगा फिर आपको, हैश अपॉन हैश क्यू नॉट डब्ल्यू हैश। ये तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हैश अपॉन हैश क्यू नॉट, और डब्ल्यू की जगह 010 रख दिया हैश। तो एक सबसे पहला डोमिनो हमने ये बना लिया, और डोमिनो क्या है आपको पता है अगर आपने पीसीबी प्रॉब्लम पड़ी है मेरी, तो ठीक है। स्टेप टू क्या कहता है, स्टेप टू कहता है डोमिनो बनाओ फॉर राइट ट्रांजिशन। एक बात बताओ आपकी ट्यूनिंग मशीन में राइट ट्रांजिशन यही तो हो रहा है सर, कि जीरो आ रहा है उसको एक्स पे कन्वर्ट करो और राइट मूव कर जाओ। तो राइट ट्रांजिशन क्या है कि क्यू नॉट पे जीरो आ रहा है तो क्यू वन पे पहुंच जाओ और जीरो को एक्स पे कन्वर्ट कर दो और राइट मूव कर जाओ। तो हमने इसका 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 डोमिनो कैसे बनाया, Q0 न्यूमरेटर पे ले लिया और X और Q1 X पे कन्वर्ट हो गया और कहां पहुंच गया Q1 पे, इसको हमने डिनोमिनेटर पे ले लिया। तो ये स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री क्या है, स्टेप थ्री है डोमिनो फॉर लेफ्ट ट्रांजिशन। अब लेफ्ट ट्रांजिशन के लिए डोमिनो, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है, डोमिनो फॉर लेफ्ट ट्रांजिशन। अच्छा लेफ्ट ट्रांजिशन कहां हो रहा है, Q1 पे हो रहा है। Q1 पे अगर 1 आ रहा है, Q1 पे अगर 1 आ रहा है तो उसको X पे कन्वर्ट कर रहा है और लेफ्ट में मूव कर जा रहा है, और कौन से स्टेट में पहुंच जा रहा है, Q2 पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है, अब बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना उसको, कि अगर मैं इनपुट की बात करूं तो Q1 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके पहले क्या हो सकता है, इसके पहले कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक टेप का सिंबल हो सकता है, मान लिया वाई है, कोई भी एक टेप का सिंबल हो सकता है, मान लिया वाई है। अब वाई में क्या क्या हो सकता है, या तो वाई में क्या क्या हो सकता है, अभी अभी मैंने बताया, या तो जीरो हो सकता है, या तो वन हो सकता है, या तो एक्स हो सकता है, या तो वाई इज दिस, ठीक है। तो वाई में कुछ भी हो सकता है, तो इससे पहले होगा क्या कि कन्वर्ट होने के बाद वो वन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स पे, और वाई तो ऑलरेडी था, और कहां पहुंच जाएंगे, Q2। अब Q2 किसके किस स्टेट पे एक्ट होगा, Y पे एक्ट होगा, किस इनपुट पे एक्ट होगा, Y पे एक्ट होगा, और ये Y कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूं इस चीज को, तो मैं लिख सकता हूं Y, हाँ Y, Q1 स्टेट है, जिस किसके ऊपर एक्ट हो रही है, 1 के ऊपर एक्ट हो रही है। तो कन्वर्ट होने के बाद हो क्या रहा है, कन्वर्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि वो Q2 स्टेट पे पहुंच जा रहा है, और फिर Q2 स्टेट पे किसके ऊपर अब एक्ट करना है, वाई के ऊपर, वो लेफ्ट पहुंच गया, अब वाई के ऊपर एक्ट करना है, और ये जो वन था उसको एक्स पे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया आपको, ये तो मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ गया होगा। चलो बहुत इजी है, कुछ नहीं, फिर से देखो क्या हो रहा है, कि फिर से मैं बता रहा हूं कि वाई है, ठीक है, वाई है, Q1 किसके ऊपर एक्ट हो रहा है, 1 के ऊपर, तो Y है, Q1 1 के ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब वो लेफ्ट मूव करेगा तो Q2 इधर आ जाएगा, जब लेफ्ट मूव करेगा तो इधर आ जाएगा। तो हुआ क्या कि जो 1 था वो X में कन्वर्ट हो गया, इससे पहला वाला सिंबल कुछ भी था वो Y था, अब इस वाले सिंबल पे Q2 एक्ट होगा ना, Q2 था Y के ऊपर एक्ट होगा, ठीक है। चलो अब इसका डोमिनो बनाना है, तो अब इसका डोमिनो कैसे बनाएंगे, देखो अब ये Y कुछ भी हो सकता है, तो हर Y क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो बस इसी के फॉर्म में बना दो। तो वाई क्या क्या हो सकता है, वाई अगर आप मान ले 0 हो सकता है, तो 0 Q1 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, Q2। वाई क्या हो सकता है, 0 माना है मैंने, 0, और ये तो एक्स में कन्वर्ट होगा, क्लियर हो गया। बस इसीलिए आप यहां पे 1 पुट कर दो, अब वहां पे वाई की जगह जहां जहां वाई है वहां 1 पुट कर दो, तो 1 Q1 1 और Q2, अब Y क्या हो सकता है, 1, और X में कन्वर्ट हो ही गया था। इसी तरीके से जहां Y है अब X, क्योंकि टेप के सिंबल क्या क्या है, 0 है, 1 है, X और B, अब X कन्वर्ट करो, तो X Q1 1 और Q2 XX, Q2 X और X ऑलरेडी था, और एक ब्लैंक सिंबल भी हो सकता है वो Y, B Q1 1 और Q2 B X। तो हमने ये चार डोमिनो क्रिएट कर लिए, क्लियर। तो ये हमारा तीसरा स्टेप था। चौथा स्टेप कह रहा है डोमिनो फॉर ऑल टेप सिंबल, जितने भी हमारे टेप सिंबल है सबके लिए अलग अलग डोमिनो बनाओ। तो टेप सिंबल हमारे क्या क्या है, 0 है, 1 है, x और b है, तो सबके लिए बना दिया, एक हो गया 0x0, एक हो गया 1x1, एक हो गया xyx, एक हो गया b/b, क्लियर। तो सबके लिए डोमिनो बना दिया। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप 5, तो कह रहा है डोमिनो फॉर टेप सिंबल आफ्टर रीचिंग फाइनल स्टेट। अब तुमको डोमिनो बनाना है तब जब तुम फाइनल स्टेट में पहुंच गए हो। अब तुम जब फाइनल स्टेट में पहुंचे हो तो क्या क्या इनपुट हो सकता है, एक तो 0 से हम फाइनल तक पहुंचे, एक हम 1 से फाइनल तक पहुंचे, किस जैसे कैसे हम पहुंचे, तो उस चीज को हर तरीके से लिख लो। 0 से Q2 by Q2, एक Q2 के बाद भी 0 आ सकता है, उसके बाद भी तो स्ट्रिंग हो सकती है, तो एक Q2 के बाद भी 0 आ सकता है तो Q2, एक 1 Q2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो Q2, एक Q2 के बाद भी 1 आ सकता है तो Q2, एक X Q2, सब के लिए देखो, मतलब 0 के लिए, 1 के लिए,
एक्स के लिए और बी के लिए, और सबके लिए दो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, या वो पहले भी आ सकता है या वो बाद में भी आ सकता है। तो इस तरीके से एक्स पहले भी आ सकता है, एक्स बाद में भी आ सकता है, बी पहले भी आ सकता है, बी बाद में भी आ सकता है। तो ये मैंने पूरे के पूरे सिंबल्स लिख दिए, बहुत ईजी है। अब स्टेप सिक्स क्या कहता है, स्टेप सिक्स कहता है डोमिनो फॉर ब्लैंक सिंबल एंड हैश। अब ब्लैंक और हैश के लिए भी तुम डोमिनो लिखो, तो हैश के लिए लिख सकते हैं हैश बाई हैश, और ब्लैंक के लिए लिखने का तरीका होता है हैश अपॉन ब्लैंक हैश, क्लियर, ये तरीका होता है। अब डोमिनो फॉर फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट के लिए डोमिनो क्या लिखोगे, ये सातवां स्टेप है, लास्ट स्टेप, क्यू टू हैश हैश अपॉन हैश, ये तरीका है, ये आपको फॉलो करना है, ये सिंटेक्स है, ये एमएल ने हमें बताया था कि इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। अब आपको अब बहुत सारे काम कर लिए, अब इन सातों स्टेप का इस्तेमाल करके हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन ऑफ पोस्ट करेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ पीसीपी यूजिंग अबव डोमिनोस, ये जो डोमिनोस सातों स्टेप में हमने डोमिनो बनाए इनका इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले हमने पहले स्टेप का डोमिनो ले लिया, पहला स्टेप भाई डोमिनो क्या कहता है कि टॉप की स्ट्रिंग, पीसीबी प्रॉब्लम क्या कहती थी, अभी आपने अगर पहले पढ़ा कि टॉप की स्ट्रिंग और बॉटम की स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, तो इसमें पहला और पहला तो सेम है, तो ये ले सकता हूं। तो ये स्टेप वन से उठा लिया मैंने, ये स्टेप वन से उठा लिया, हैश हैश क्यू नॉट जीरो वन जीरो हैश, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा, तो अब मैंने क्या लिया, हैश हैश तो चलो कैंसिल हो गया, अब डिनोमिनेटर में क्या है, क्यू नॉट जीरो वन जीरो, ठीक है, और हैश, तो मुझे कहीं से भी क्यू नॉट जीरो चाहिए ही चाहिए। तो अब जरा आप देखो, मैंने स्टेप टू लिखा हुआ साफ साफ, स्टेप टू में देखो आपका क्या आ रहा था, क्यू नॉट जीरो अपॉन एक्स क्यू वन, तो आपने क्या ले लिया, क्यू नॉट जीरो, क्यू नॉट जीरो ले, तो ये क्यू नॉट जीरो का तो काम हो गया, तो क्यू नॉट जीरो वाला काम हो गया, अभी वन जीरो बचा हुआ है, तो वन जीरो के लिए आपने ये सिंबल बनाए थे ना, स्टेप फोर में देखो आपने सारे टेप सिंबल के लिए बनाए थे, तो जीरो के लिए आपने वन के लिए आपने वन वन लिख लिया, जीरो के लिए आपने जीरो जीरो लिख लिया, और इस हैश के लिए आपने यहां से हैश हैश, तो मैंने सबके स्टेप्स लिख दिए, ठीक है। अब सबके स्टेप लिखने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या इस हैश से ये हैश कैंसिल हो गया, क्यू नॉट से क्यू नॉट हो गया, जीरो से जीरो हो गया, अब वन से वन हो गया, और जीरो से जीरो हो गया, और हैश से हैश को आप चाहे कैंसिल भी कर दो चाहे नहीं करो, बात तो एक ही रहेगी, क्योंकि फिर वो हैश आएगा आएगा, तो अभी हैश को आपको छोड़ देना है, क्लियर। अभी आपको हैश को कैंसिल नहीं करना, क्यों नहीं करना, समझो बचा गया आपके पास, चलो बचा गया, सो सबसे टॉप में क्या बचा, तो सबसे टॉप में क्या बचा हैश, क्लियर, सबसे टॉप में क्या बचा हैश, और बॉटम में क्या बचा ये वाला हैश और एक्स एक्स क्यू वन क्यू वन वन यला वन और जीरो और हैश, क्लियर। अब ये मेरे पास बच गया, अब फिर हमें काम करना है, मैचिंग स्ट्रिंग्स उठानी है और काम करना है, तो मैं बार बार पॉज करता रहूंगा और उसको लिखता रहूंगा ताकि आपका टाइम ना वेस्ट, क्लियर। चलो चलो देखो, तो ये आपका सॉल्यूशन बचा था सब कुछ काटने पीटने के बाद, अब ये बचा, अब इसको खत्म करना है, इसको खत्म करना है, तो हमने क्या बचा, हमारे पास ये आ गया, अब मेरे पास हैश हैश तो कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक्स क्यू वन वन जीरो, तो मुझे किसी तरीके से एक्स क्यू वन वाली सीरीज कहीं से ढूंढनी है, और जरा आप देखो मैंने ध्यान से लिखा है स्टेप थ्री का थर्ड पार्ट, स्टेप थ्री का थर्ड देखो क्या है, एक्स क्यू वन मिल गया हमें, एक्स क्यू वन वन, तो एक्स क्यू वन वन ये पूरा मुझे एज इट इज मिल रहा है, तो एक्स क्यू वन वन उठा लिया, और इसके नीचे एक्स क्यू टू एक्स एक्स था ये उठा लिया, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या बचा, ये जीरो बचा, तो जीरो के लिए जीरो बाय जीरो लिख सकता हूं जैसा मैंने पहले सॉल्व किया, और हैश के लिए क्या लिख सकते हैं, हैश बाय हैश, तो इससे सॉल्यूशन के बाद निकला क्या, इस हैश से ये हैश कैंसिल हो गया, एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया, क्यू वन से क्यू वन कैंसिल हो गया, वन से वन कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, हैश से कैंसिल करने की जरूरत नहीं, मैंने बताया था हैश को अभी कैंसिल नहीं करेंगे आप, तो हैश को हैश रहने दो, तो सॉल्यूशन के बाद आया क्या, ठीक है, आपके पास धीरे धीरे रिड्यूस होता रहेगा, तो अब क्या आया, टॉप में तो सिर्फ हैश बचा, तो ये सिर्फ हैश बचा, बॉटम में क्या बचा, Q2 सबसे पहले तो हैश बचा, सॉरी सबसे पहले यार हैश बचा हैश, फिर क्या बचा Q2 XX 0 और हैश, क्लियर, ये बचा आपको फाइनल कट करने के बाद, ये बचा, अब मुझे इसके लिए डोमिनोज ढूंढने हैं, ठीक है। चलो चलो अब देखो, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये बचा था, अब हैश से हैश तो कैंसिल हो रहा है, अब एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास, Q2 XX 0, तो कहीं Q2 X मुझे मिल रहा है, तो ये देखो स्टेप 5 में मैंने लिखा हुआ है, स्टेप 5 में Q2 X ये तो ये मिल रहा है, तो Q2 X अपॉन Q2 ये मिल रहा था, तो Q2 X अपॉन Q2 मैंने लिख लिया स्टेप 5 से, तो ये वाला काम तो हो गया, Q2 X वाला काम तो हो गया, ठीक है। अब X बचा, तो X के लिए XX लिख सकते, स्टेप 4 में तो हमने बनाया हुआ है XX भी और 00, तो XX और 00 और हैश के लिए हैश हैश बना लिया, क्लियर। अब सॉल्व करो, तो सॉल्व करो, हैश से हैश कैंसिल, Q2 से Q2, X से X, इस x से ये वाला x, इस 0 से ये वाला 0, हमारा सारा सॉल्व हो गया। अब बचा क्या, बचा वाला लिख लो सारा, तो सबसे टॉप में क्या बचा हैश, तो हैश बचा, बॉटम में क्या बचा ये वाला हैश, अब क्या बचा Q2, ठीक है, फिर x और 0, और फिर क्या बचा हैश, आप परेशान मत होना ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अब मुझे इस स्ट्रिंग के लिए
फिर डोमिनोज ढूंढने, ठीक है चलो चलो। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना बचा था। अब देखो हैश से हैश कैंसिल हो जाएगा, अब मेरे पास क्या बताया Q2X। अब कहीं से मैं Q2X ढूंढ लूं, फिर से फिर वही काम, Q2X तो हमें मिल ही रहा था। ये देखो स्टेप 5 पे, स्टेप 5 पे नला है, ये Q2X तो हमें यहां से मिल ही रहा था। तो फिर आपने यहां पे Q2X लिख लिया और Q2X / Q2 आ गया। इस जीरो के लिए हमने ये 0/0 लिख लिया और हैश के लिए हैश / हैश लिख लिया। फिर से कैंसिल करो, हैश से हैश कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल, X से X कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बाकी हैश को छोड़ देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, बचा अब मेरे पास क्या है, ऊपर बचा है हैश और नीचे बचा है हमारे पास ये वाला हैश, ये वाला हैश, उसके बाद Q2, फिर 0 और उसके बाद क्या बचा है हैश। तो ये मेरे पास बचा है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, चलो। तो देखो मेरे पास ये बचा था हैश Q2 0 / हैश। आप देखो Q2 0 मुझे चाहिए और साफ साफ Q2 0 फिर स्टेप 5 पे आपको देखो मिल रहा है Q2 0 / Q2। तो बस आपने देख लिया Q2 0 / Q2, तो Q2 0 पूरा, अब सिर्फ हैश के लिए चाहिए। तो हैश के लिए हैश हैश, तो आपने यहां से स्टेप 6 से उठा ही सकते हो, तो स्टेप 6 से आपने ये उठा लिया, ठीक है। फिर कैंसिल करो, हैश से हैश कैंसिल, Q2 से Q2, 0 से 0 और हैश को कैंसिल करते नहीं। तो बचा क्या, अब आपके पास बचा है सबसे ऊपर बचा है हैश और नीचे क्या बचा है सी वाला हैश और ये क्या बचा है Q2 और क्या बचा है हैश। देखा अब आपकी प्रॉब्लम बहुत रिड्यूस हो गई है, ठीक है। अब आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा एकदम बहुत बुरी तरीके से रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और अब तो शायद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, अब तो आप यहां पहुंच चुके हो। इसको सॉल्व करने के बाद, ये कैंसिल करने के बाद ये बच गया। अब आप स्टेप इसको मैच कराना है, इसको मैच कराने के लिए स्टेप 7 तो आपके पास है ही है। स्टेप 7 लिख दो बस खत्म। स्टेप 7 क्या है, Q2 हैश हैश अपॉन हैश, क्लियर। तो इस हैश से ये वाला हैश, ये वाले Q2 से ये वाला Q2, ये हैश ये हैश ये हैश ये हैश, सब कुछ कैंसिल हो गया। मतलब सारी ऊपर जो टॉप की स्ट्रिंग थी वो सारे बॉटम की स्ट्रिंग से मैच कर गई। इसका मतलब हमने क्या किया, इसका मतलब हमने क्या किया, वी हैव प्रूव्ड, वी हैव क्रिएटेड पीसीपी फॉर अबव ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन हमने पीसीपी क्रिएट कर दिया ऊपर वाले ट्यूरिंग मशीन के लिए। सिंस ट्यूरिंग मशीन इज अनडिसाइडेबल, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल होता है, हेंस पीसीपी इज ऑल्सो अनडिसाइडेबल। क्लियर हो गया आपका प्रूफ, इसी को कहते हैं मॉडिफाइड पीसीपी, क्लियर। तो यही है आपका एमसीपी, तो आपने प्रूव कर दिया कि मॉडिफाइड पीसीपी इसी को कहते हैं। और अगर ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल है और उससे हम एक पीसीपी बना पा रहे हैं, तो अगर ट्यूरिंग मशीन अनडिसाइडेबल है तो ऑब्वियस है तुम भी अनडिसाइडेबल है। सो दिस वाज 7 स्टेप्स हाउ टू सॉल्व अनडिसाइडेबिलिटी ऑफ पीसीपी प्रॉब्लम। दिस इज द प्रूफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होते हैं और ट्रैक्टेबल और नॉन ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम क्या होते हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।